Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the next characteristics of living beings, that is metabolism. Student, the sum or total of various biochemical reaction occur in a cell. एक सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है उन सब का सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है. स्टूडेंट्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. जितनी भी एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो सम है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है या मेटाबॉलिज्म कहते हैं. स्ट्रेंथ इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी लिविंग बींग्स के एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग बींग में पाया जाता है या होता है. स्ट्रेंथ बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ पॉसिबल नहीं है. स्ट्रेंथ मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरी हैं, एक एनाबॉलिज्म दूसरा कैटाबॉलिज्म. स्टूडेंट एनाबॉलिज्म का मींस होता है बिल्डिंग अप रिएक्शंस का मींस है कि बहुत से सिंपल सबस्टांस मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं. तो ऐसी रिएक्शंस जो हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन कहलाती हैं. तो एनाबॉलिज्म में सिंपल सबस्टांस से कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. तो ये एनाबॉलिज्म है. स्टूडेंट एनाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन कहलाती है. इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है वो सिंपल सबस्टांस में तोड़ा जाता है. जैसे डिस्प्रेशन में ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो इस टाइप से कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है. स्टूडेंट नाउ इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. स्टूडेंट एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहलाता है और जबकि कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहलाता है. डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मींस कोई चीज़ का फॉर्मेशन होना, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का फॉर्मेशन होना. डिस्ट्रक्टिव का मींस यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का ब्रेकडाउन होना. स्टूडेंट एनाबॉलिज्म में ये बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं जिनमें नया कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनता है और ये ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती है कैटाबॉलिज्म. इसमें स्टूडेंट कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टांस सिंपल सबस्टांस में ब्रेक डाउन होता है. इसे कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का सिंथेसिस इन्वॉल्वमेंट होता है. मतलब एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सबस्टांस का सिंथेसिस होता है जबकि कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सबस्टांस ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सबस्टांस बनता है. स्ट्रेंट इसका एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस है और कैटाबॉलिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन. स्ट्रेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एनाबॉलिज्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. नाउ स्ट्रेंट नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन. अगला फीचर जो लिविंग बींग का है वो है रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द पेरेंट, पेरेंट के द्वारा अपने ही काइंड के नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। स्ट्रैंड यस इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, ये किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होगा कि बिना रिप्रोडक्शन के वो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसकी स्पीसीज इस अर्थ में कंटिन्यू रहे उसके लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। स्ट्रैंड इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग, ये लिविंग बींग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सभी लिविंग बींग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, बर्कर, हनी भी, ये अपने पूरे लाइफ भर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लिविंग बींग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो लिविंग हैं, तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। स्ट्रैंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल कहा जाता है, बाईपेरेंटल को सेक्सुअल कहा जाता है। सेक्सुअल इन्वॉल्व असेक्सुअल में होती हैं और सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड स्ट्रैंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन।